Continuing with the lesson, My Big Brother. The annual examinations ended. Final exam हो गए. My brother failed. मेरे भाई साहब fail हो गए. And I passed. मैं pass हो गया. Securing the first position in the class. Class में मेरी first position आ गई. Now he was just two classes ahead of me. अब तो वो सिर्फ मुझसे दो classes आगे थे. For a moment I thought of giving him a piece of my mind. एक क्षण को तो मुझे लगा कि उनको थोड़ा सा खरी खरी सुना दूँ. बट ही वॉज सो हार्ट ब्रोकन दैट आई सिंसियरली सिंपथाइज विद हिम. लेकिन उनका ऐसा दिल टूटा हुआ था कि मुझे दिल से उनके प्रति सहानुभूति हुई. एंड आई गेन्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्फ एस्टीम. और मेरे अंदर कुछ एक गर्व की भावना भी आ गई, सेल्फ एस्टीम, थोड़ा प्राउड हो गया मैं. I began to participate freely in games and sports. अब तो मैं पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने खेल कूद में भाग लेने लगा. If he tried to meddle, I would tell him plainly. अगर वो मेडल करते थे, इंटरफियर यानी दखलंदाजी करते थे, तो मैं उनको साफ साफ कह देता था. I have obtained the first position even while playing and having fun. कि मैं तो खेल कूद में भाग लेते हुए और मज़े करते हुए भी मुझे पहली पोजीशन मिली है क्लास में. इवन दो आई हैड नॉट द करेज टू स्पीक आउट विद सच इंसोलेंस. हालांकि मेरे अंदर जो है इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतनी इंसोलेंस माने डिसरिस्पेक्टफुल, इतनी बदतमीजी से उनसे बात करता. इट वॉज क्लियर फ्रॉम माई डेमिनर एंड एक्शन. ये मेरे डेमिनर मीन्स आउटवर्ड बिहेवियर, ये जो मेरा व्यवहार था और मेरे जो एक्शन से, उससे ही पता चल जाता था साफ साफ कि मेरा जो रवैया था उनके प्रति वो थोड़ा सा बदतमीजी से भरा हुआ हो गया था. वन डे व्हेन आई रिटर्न्ड आफ्टर स्पेंडिंग द होल मॉर्निंग प्लेइंग, माय ब्रदर पाउंस्ड अपॉन मी. एक सुबह जब मैं सारी सुबह खेल कूद में व्यतीत करके वापस आया, तो मेरे भाई जो थे वो तो मेरे ऊपर जैसे कूद पड़े. पाउंस्ड मीन्स कूद पड़े. आई कैन सी यू हैव बिकम वेरी स्मग. मैं देख रहा हूँ कि तुम तो बहुत ही रिलैक्स्ड हो गए, बहुत ही जो है हर बात के प्रति बहुत आश्वस्त हो गए हो. बिकॉज यू हैव सिक्योर्ड अ फर्स्ट पोजिशन, क्योंकि तुम फर्स्ट पोजिशन लाए हो. बट माई ब्रदर प्राइड हैज़ नॉट सर्व्ड वेल इवन द ग्रेट्स. लेकिन भाई मेरे, ये जो घमंड है ना, ये बड़े बड़े लोगों को जो है उनको रास नहीं आया है. यू मस्ट हैव रेड अबाउट द फेट ऑफ रावण. तुमने रावण का जो भाग्य था, उसका जो अंत हुआ था, वो उसके बारे में पढ़ा होगा. ही वॉज द मास्टर ऑफ द होल अर्थ. पूरी धरती का स्वामी था. कॉल्ड द यूनिवर्सल किंग. वो पूरे ब्रह्मांड का राजा माना जाता था. रावण वॉज अ यूनिवर्सल किंग. वो पूरा ही धरती का सम्राट था. बिकॉज ऑल द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड पे टैक्सेस टू हिम. क्योंकि सारी दुनिया के राजा उसको टैक्स दिया करते थे. इवन द गॉड्स ऑफ लव एंड रेन वर हिज स्लेव्स. यहाँ तक कि जो गॉड्स ऑफ लव जो थे वो और रेन के जो थे, वरुण थे रेन के और गॉड ऑफ लव थे कामदेव, तो वो भी उसके ही गुलाम थे. एंड येट वट वॉज इज एंड. लेकिन फिर भी उसका अंत क्या हुआ? प्राइड टोटली डिस्ट्रॉयड हिम. घमंड ने उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया. वट हैव यू लर्न फ्रॉम हिज स्टोरी. तुमने उसकी कहानी से क्या सीखा? टू हैव पास्ड एन एग्जामिनेशन इज नॉट इनफ. एक एग्जाम पास करना पर्याप्त नहीं है. द रियल थिंग इज द एक्विजिशन ऑफ विजडम. जो वास्तव चीज़ जो होती है वो है विजडम माने बुद्धिमानी को एक्वायर करना है. एक्विजिशन मीन्स प्राप्त होना बुद्धिमानी का, यानी कि बुद्धिमानी को प्राप्त होना, ज्ञान को आप मिलना. टू इंटरनलाइज वट एवर यू स्टडी. और जो भी आपने पढ़ा है उसको अपना आत्मसत करना, समझना दिल से. यू हैव पास्ड ओनली वन क्लास एंड योर हेड हैज टर्न्ड. एक क्लास पास कर लिया, सर घूम गया. इन दिस वे यू वोंट गो वेरी फार. ऐसे तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे. यू मस्ट रियलाइज दैट यू डिड नॉट पास थ्रू योर हार्ड वर्क. समझ आना चाहिए तुमको, ये महसूस होना चाहिए कि तुम मेहनत से पास नहीं हुए हो. इट वॉज अ फ्लूक. फ्लूक मीन्स लक. ये तो एक महज एक भाग्य की बात थी.
Sometimes a person plays a big stroke by chance. कई बार एक व्यक्ति बहुत बड़ा एक स्ट्रोक कर, आप जानते हैं क्रिकेट में जैसे होता है मारना बल्ले से, तो ऐसा एक जो है आपने एक दांव खेल लिया है बाई चांस, बट दैट डज नॉट मेक हिम अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन वह उसको एक महान खिलाड़ी नहीं बना देता. यू विल नो वेन यू कम टू माई क्लास, में पता चलेगा जब मेरी क्लास में आओगे, यानी वो नाइन्थ में ही रह गए थे ना. यू विल स्वेट बिटवीन योर टीथ वेन यू विल हैव टू क्रैक द टफ नट्स ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा. तुम जो है तुम्हारे दांतों में पसीना आ जाएगा अगर तुमको ये जो इतने मुश्किल नट्स कहते हैं, टफ नट टू क्रैक, बहुत मुश्किल काम, जैसे अखरोट बादाम को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो वैसे ही उसको कोई मुश्किल काम हो तो उसको कहेंगे टफ नट टू क्रैक. या कोई व्यक्ति अगर आपकी बात को मानता ही नहीं है, कोई व्यक्ति किसी भी तरह टस से मस नहीं होता, उसको भी बोलते हैं ओ इज अ हार्ड नट टू क्रैक. तो जो कह रहे हैं कि तुम्हारे दांत में पसीना आ जाएगा अगर तुमको ज्योमेट्री और अलजेब्रा नाइन्थ क्लास में पढ़नी होती है अलजेब्रा, उसको पढ़ने में आपके दांतों तक पसीना आ जाएगा. गॉड अलोन सेव यू फ्रॉम ज्योमेट्री, अरे भगवान ही तुम्हें बचा सकता है ज्योमेट्री से. इफ यू रोट ए सी बी फॉर ए बी सी यू विल लूज ऑल द मार्क्स, तुमने अगर ए सी बी लिख दिया ए बी सी को तुम्हारे मार्क्स गए. नो वन केयर्स टू आस्क दिस क्रूएल एग्जामिनर्स एज़ टू व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ए सी बी एंड ए बी सी इज एंड व्हाई दे टॉर्चर स्टूडेंट्स फॉर दीज वर्थलेस थिंग्स. कोई नहीं पूछता है इन इतने जो क्रूर ये जो एग्जामिनर्स हैं कि क्या डिफरेंस है ए सी बी और ए बी सी में, और ये स्टूडेंट्स को आप ना क्यों प्रताड़ित करते हैं, उनको क्यों इतनी पीड़ा देते हैं इन बेकार की चीज़ों के लिए. बट दीज एग्जामिनर्स सी ओनली दैट इज व्हाट इज रिटन इन द बुक्स, लेकिन एग्जामिनर्स को तो वही देखना है जो किताबों में लिखा है. दे वांट स्टूडेंट्स टू क्रैम एवरीथिंग, हर चाहते हैं स्टूडेंट्स तो बस रट लें हर चीज़. क्रैम करना मतलब रटना, एंड दिस क्रैमिंग इज कॉल्ड एजुकेशन, और ये रटंत विद्या जो है उसको हम एजुकेशन कहते हैं, पढ़ाई लिखाई कहते हैं. दे आस्क यू टू राइट एन एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी. तो अब ज्योमेट्री के बारे में बता दिया, अब इंग्लिश के बारे में बता रहे हैं. वो आपसे कहते हैं कि एक ऐसे लिखो इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी में समयबद्धता पे. विच शुड नॉट बी लेस देन 4 पेजेस इन लेंथ, जो लगभग 4 पन्नों से कम का ना हो. व्हाई डजन हु डजन नो दैट पंक्चुअलिटी इज़ अ गुड थिंग, कौन नहीं जानता समय की पाबंदी बहुत अच्छी चीज़ है. इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन योर लाइफ, आपके जीवन में अनुशासन लाती है. पीपल बिगिन टू लव यू एंड यू प्रोग्रेस इन योर बिजनेस, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आप अपने व्यापार में उन्नति करते हैं. हाउ टू राइट 4 पेजेस ऑन सच अ सिंपल इशू, एक साधारण से मामले के ऊपर आप 4 पन्ने कैसे लिख सकते हैं. बट नो यू विल हैव टू ब्लैक एंड 4 पेजेस, बट नहीं आपको तो 4 पन्ने रंगने होंगे, काले रंग में मतलब स्याही से. एंड 4 फुल स्कैप पेजेस, और वो भी 4 बड़े बड़े पन्ने. द वर्स्ट पार्ट इज यू आर टोल्ड टू बी ब्रीफ, और सबसे बुरा बात क्या है कि आपसे कहते हैं ब्रीफ यानी कम शब्दों में लिखो, शॉर्ट लिखो. राइट अ शॉर्ट एसे ऑन पंक्चुअलिटी इन नॉट लेस देन 4 पेजेस, एक छोटा एसे लिखो पंक्चुअलिटी पे जो 4 पन्नों से कम का ना हो. 4 पेजेस इन ब्रीफ, 4 पन्ने शॉर्ट में, अदरवाइज दे माइट हैव आस्क यू टू राइट 200 पेजेस, और अगर नॉर्मली लिखने को कहते तो 200 पन्ने कहते. रन फास्ट बट स्लोली, तेज भागो मगर धीरे. तो दिस इज ऑक्सीमोरन, यू नो विरोधाभास, एक बात कुछ कह रही है दूसरी बात कुछ, इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन. इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन, OXYMORON. इजंट दैट फनी, क्या ये बड़ा अजीब नहीं है. माय बॉय व्हेन यू कम टू माय क्लास यू विल हैव टू परफॉर्म दिस हरक्यूलिन लेबर्स, आओगे क्लास में तो हरक्यूलिस एक बहुत ही ब्रेव व्यक्ति था जिसने बहुत ही बड़े बड़े काम किए थे, तो उनके उन बड़े बड़े कामों को हरक्यूलिन लेबर्स कहा जाता है. तो तुम नाइन्थ में आओगे तो तुमको इसी तरह के हरक्यूलिन टास्क करने पड़ेंगे. डोंट फ्लोट इन द एयर जस्ट बिकॉज यू हैव सिक्योर द फर्स्ट पोजिशन इन दिस क्लास, ये हवा में मत उड़ो अगर तुमने इस क्लास में पहली पोजिशन प्राप्त कर ली क्लास 8th में. आई माइट हैव फेल्ड मैनी टाइम्स बट आई एम एल्डर देन यू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड, हो सकता है मैं कई बार फेल हो चुका हूँ
लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुमसे ज़्यादा अनुभवी हूँ। सो मार्क माई वर्ड्स और यू विल रिग्रेट लेटर, इसलिए मेरे शब्दों पर ध्यान दो, नहीं तो बाद में रिग्रेट मीन्स टू फील सॉरी, बाद में तुम पछताओगे। It was time for school. If I got a scolding like this when I passed, I might as well have enjoyed myself and failed. तो अब स्कूल का समय हो गया, अगर मुझे पास होने पर ही इतनी डांट पड़ रही है तो मुझे क्या करना था, मुझे तो खूब मज़े करके चाहे मैं फेल हो जाता तब भी डांट पड़ती। तो anyway, अब उनके भाई साहब ने उनको समझा दिया। The fearful image that my brother had drawn of the studies in his own class had terrified me. और जो उन्होंने मेरे भाई साहब ने अपनी पढ़ाई के बारे में जो इतनी डरावनी तस्वीर मेरे सामने बनाई थी तो उससे तो मैं बहुत ही भयभीत हो गया। But despite this, I couldn't overcome my distaste for books. लेकिन इस सब के बावजूद despite this, मैं जो था अपना जो मेरी किताबों के प्रति जो मेरा नापसंदगी थी उससे मैं उबर नहीं पाया। मुझे अभी भी किताबें पसंद नहीं थी। आई वुडंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी फॉर स्पोर्ट्स, मैं खेल कूद का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। आई स्टडी टू पढ़ता भी था बट नॉट मच, लेकिन ज़्यादा नहीं। द सेल्फ कॉन्फिडेंस आई हैड अटेंड नाउ डिसअपीयर्ड, जो मेरे अंदर आत्मविश्वास आ गया था, जो मुझे प्राप्त हो गया था, वो तो गायब ही हो गया। एंड आई वॉज ऑब्लाइज टू लिव लाइक अ मैलीफैक्टर, और अब मुझे किस तरह जीना पड़ रहा था, अ पर्सन हु डिड समथिंग रॉन्ग। मैलीफैक्टर क्या होता है, जिसने कोई गलत किया हो काम उसको बोलते हैं। तो उसी तरह मुझे एक अपराधी के समान जीना पड़ रहा था। इट वॉज द एनुअल एग्जामिनेशन अगेन, अब आ गए फिर से फाइनल एग्जाम। वंस मोर आई गॉट थ्रू, एक बार फिर मैं पास हो गया। एंड माई ब्रदर फ्लंक्ड, और मेरे भाई साहब फिर से लुढ़क गए, फेल हो गए। I hadn't worked very hard but stood first again. मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की थी फिर भी फर्स्ट आ गया। Even I was surprised, मुझे भी हैरानी हुई। My brother had learnt every word in the syllabus by rote. मेरे भाई साहब ने तो एक एक शब्द रट लिया था, by rote मतलब रट लिया था syllabus का। Studying till 10 o'clock at night, 10 बजे तक रात को पढ़ते थे। Starting again at 4 o'clock in the morning, सुबह 4 बजे फिर से पढ़ना शुरू कर देते थे। And from 6 to 9:30 before school, और उसके बाद 6 से 9:30 बजे तक स्कूल से पहले पढ़ते थे। I felt sad for him, मुझे बड़ा उनके लिए बड़ा मैं उदास हो गया। He broke down when the result was announced, जब रिजल्ट आया तो वो तो बिल्कुल ही जैसे टूट गए, एकदम रोने लग गए। I also cried, मैं भी रोया। The joy of having passed was halved, जो मेरा जो खुशी थी कि मैं पास हो गया हूँ वो तो आधी रह गई। हाफ से बनाया हाफ्ड, हाफ एच ए एल एफ हाफ का पास्ट टेंस, एच ए एल वी ई डी हाफ्ड हाफ्ड। हैड आई ऑल्सो फेल्ड माई ब्रदर वुडंट हैव ग्रीव्ड सो मच, मैं भी फेल हो जाता तो शायद मेरे भाई साहब इतना दुख ना मनाते, ग्रीव्ड माने इतने दुखी ना होते। नाउ माई ब्रदर वॉज जस्ट वन क्लास अहेड ऑफ मी, ओके अभी ये उनकी क्लास में नहीं आए थे, अभी आई टोल्ड यू रॉन्ग, ही वॉज इन क्लास 7th व्हेन ही हैड स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास, एंड अगेन इन क्लास 8th ही हैड स्टूड फर्स्ट, एंड नाउ ही वॉज 1 year जूनियर टू हिज ब्रदर। सो नाउ माई ब्रदर वॉज जस्ट 1 class अहेड ऑफ मी, तो ये 8th में आ गए थे और भाई साहब जो थे एक ही साल इनसे आगे थे, 5 साल बड़े थे मगर एक साल ही आगे थे। एंड ईवल थाट एंटर्ड माई माइंड, एक बड़ा दुष्ट ख्याल मेरे मन में आ गया। सपोज ही फेल्ड वंस अगेन, एक बार और फेल हो जाए, ही वुड लूज द हाई ग्राउंड टू ह्यूमिलिएट मी, और वो जिस ऊंचे स्थल पे खड़े होकर मुझे ह्यूमिलिएट करते थे, नीचा दिखाते थे, वो ख़त्म हो जाएगा, वो उसको लूज कर देंगे, खो बैठेंगे। बट आई रेस्ट दिस डेस्पिकेबल आइडिया आउट ऑफ माई हार्ट, लेकिन ये डेस्पिकेबल मीन्स हेटफुल, डिजर्विंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट, तो ये जो घृणित विचार था वो उसको मैंने किसी तरह अपने दिल से खींच कर निकाल फेंका। आफ्टर ऑल ही अपब्रेड्स मी फॉर माई ओन गुड, क्योंकि वो मुझे स्कोल्ड करते हैं, अपब्रेड मीन्स स्कोल्ड करना, डांटते हैं मेरे अपने भले के लिए। ये इसको इतना तो छोटे भाई को एहसास था कि अगर भाई साहब डांटते हैं तो हमें हमारे भले के लिए ही डांटते हैं ताकि हमारा भविष्य संवरे।
माई ब्रदर हैड सॉफ्टन डाउन अ बिट, अब तो मेरे भाई साहब थोड़ा नरम पड़ गए थे। ही रिस्ट्रेन हिमसेल्फ इवन वेन देयर वर ओकेजन्स टू अपब्रेड मी, और जहाँ पर मौके मिलते थे कि वो मुझे डांट सकते थे वहाँ पर भी वो रिस्ट्रेन कर जाते थे अपने आप को, यानी अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे, रोक लेते थे। आई नाउ बिगिन टू टेक एन अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज लीनियंस, तो उनकी इस ढील का, लीनियंट होना ढीला थोड़ा सा, जैसे कई मम्मियाँ बच्चों को बहुत बिगाड़ देती हैं, तो उनकी इस ढील देने को का मैंने अनड्यू एडवांटेज मतलब गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर लिया। कई बच्चे जो हैं ऐसा ही करते हैं, अपने माता पिता की लाड़ प्यार का वो गलत इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके उनके लिए अच्छा नहीं रहता, वो पछताते हैं वो फिर। आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट आई वुड गेट थ्रू, मुझे तो ये विश्वास हो गया था कि अब तो मैं पास हो ही जाऊँगा, वेदर और नॉट आई स्टडीड, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। आई डेवलप्ड अ फॉन्डनेस ऑफ फ्लाइंग काइट्स एंड मोस्ट ऑफ माई टाइम वॉज स्पेंट इन दिस एक्टिविटी, अब जो है मेरे को नया शौक मैंने क्या पैदा कर लिया, पतंग उड़ाने का, और ज़्यादातर समय मेरा इसी में बीतने लगा। स्टिल आई हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई ब्रदर, फिर भी अपने बड़े भाई के लिए मेरे मन में बहुत आदर था, अभी उसने उनको जो है एकदम से नहीं डिफाई करना शुरू कर दिया था। वन इवनिंग अवे फ्रॉम द हॉस्टल आई वॉज रनिंग लाइक मैड टू कैप्चर अ फ्ली फ्लोटिंग काइट, एक शाम को अपने हॉस्टल से दूर मैं पागलों की तरह दौड़ रहा था कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए एक फ्री फ्लोटिंग मतलब बिना डोर की पतंग को पकड़ने के लिए, कैप्चर मीन्स पकड़ने के लिए। माई आईज वर टर्न अपवर्ड्स, मेरी आंखें ऊपर को उठी हुई थी, एंड रैबिटेड, रैबिटेड मीन्स टू फिक्स्ड, उस पर टिकी हुई थी, किस पर, रैबिटेड ऑन द एयर ट्रैवलर, उस हवाई यात्री, हवाई यात्री यहाँ का क्या मतलब है हवाई यात्री का, उस पतंग की ओर मेरी आंखें टिकी हुई थी। दैट वॉज रीलिंग जेंटली टूवर्ड्स इट्स डाउनफॉल, जो कि अपने इस नीचे की ओर गिरने के रास्ते में धीरे धीरे उतर रही थी, रीलिंग जेंटली, नीचे आ रही थी धीरे धीरे, अनमाइंडफुल ऑफ द थिंग्स अराउंड, चारों तरफ क्या हो रहा है इससे मुझे कोई होश नहीं थी, मेरी आंखें तो उसी पतंग पर टिकी हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन आई केम फेस टू फेस विद माई ब्रदर, अचानक मेरे सामने आमना सामना मेरे भाई से हो गया। ही कॉट होल्ड ऑफ माई हैंड देयर एंड देन एंड शाउटेड, उसी वक़्त उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा वहीं के वहीं और चिल्लाए, aren't you ashamed of running after a one paisa kite, उस समय हो सकता है एक पतंग एक पैसे की मिलती होगी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि एक पैसे की इस पतंग के पीछे भाग रहे हो, यू डोंट सीम टू केयर दैट नाउ यू आर इन क्लास एट, तुम्हें तो इस बात का भी परवाह नहीं है अब क्लास एट में आ गए हो, जन जस्ट वन क्लास लोअर देन मी, मुझसे सिर्फ एक क्लास नीचे हो। अ मैन शुड हैव सम सेंस ऑफ हिज स्टेटस, अपने जो भी उसका स्थान है, स्टेटस है, उसका जो रुतबा है, उसके प्रति इंसान को हमेशा उससे आगाह रहना चाहिए, उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। वॉट यूज इज इंटेलिजेंस इफ इट डिस्ट्रॉयज योर सेल्फ एस्टीम, क्या फ़ायदा अगर उस वो बुद्धिमानी का जो तुम्हारी जो संप्रभुता अपनी तुम्हारी जो आत्मसम्मान है उसको ही ख़त्म कर दे। आई एम 5 years elder to you and even if you come to the same class as I and with the present system of examination it is quite possible you would be my classmate next year, तो क्या कह रहे हैं कि और अगर तुम आ भी जाते हो उस क्लास में जिसमें मैं हूँ, और ये जो इस समय का जो वर्तमान सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है, इम्तिहानों का जो तरीका है, ये हो सकता है कि अगले साल तुम मेरे ही क्लास में आ जाओ, एंड इवन अहेड ऑफ मी द ईयर आफ्टर, हो सकता है उससे अगले साल मुझसे भी आगे निकल जाओ। इवन गॉड कैन नॉट क्लोज अ 5 year गैप बिटवीन यू एंड मी, भगवान भी जो मेरी और तुम्हारी उम्र में जो 5 साल का अंतर है उसको बदल नहीं सकते। यू कैन नॉट एवर मैच माई एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड एंड लाइफ इवन इफ यू बिकम एन MA और अ DPhil और अ DLit। मेरा जो अनुभव है उसको तुम बराबरी नहीं कर सकते जीवन में, ये अगर तुम हो सकता है MA मास्टर ऑफ आर्ट्स बन जाओ या DPhil डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बन जाओ,
या डी लिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बन जाओ। ठीक है, तो कुछ भी आप डिग्रियां ले लीजिए, जो आपके और मेरी उम्र में 5 साल का अंतर है उसको आप भगवान भी नहीं दूर कर सकते। आप क्या करेंगे? वन बिकम्स वाइज नॉट बाय रीडिंग बुक्स, इंसान समझदार किताबें पढ़ने से नहीं होता, बट बाय सीइंग द वर्ल्ड, दुनिया देखने से होता है। आवर मदर नेवर वेंट टू स्कूल एंड आवर फादर परहैप्स डिडंट गो बियॉन्ड क्लास 5। माँ हमारी जो थी स्कूल ही नहीं गई कभी, पिताजी जो थे 5वीं क्लास से आगे नहीं पढ़े। वी माइट एक्यूमुलेट ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड, हम दुनिया में सारी ज्ञान चाहे एकत्रित कर लें, एक्यूमुलेट एकत्रित कर लें, येट दे विल ऑलवेज रिटेन द राइट टू एडमोनिश एंड करेक्ट अस। फिर भी उनको हमेशा दे कैन कीप रिटेन द राइट, माने अधिकार वो रहेगा उनके पास कि वो हमको एडमोनिश यानी कि थोड़ा बहुत डांट सकें और सही कर सकें, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं दुनिया में। दे नो 1000 things दैट वी डोंट, वो ऐसी हज़ार चीज़ें जानते हैं जो हम नहीं जानते। सो फॉरगेट दैट यू आर माई इक्वल एंड नाउ एंड फ्री, तो ये भूल जाओ कि तुम अब मेरे बराबरी पे आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। आई वॉन्ट लेट यू टू ट्रेड द रॉन्ग पाथ, मैं तुम्हें ट्रेड मतलब चलना, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर चलने नहीं दूंगा। एंड इफ़ यू डोंट लिसन आई वुड इवन यूज माई हैंड, और नहीं सुनोगे तो मैं अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर लूँगा, यानी कि तुम्हें पीट भी सकता हूँ, मार भी सकता हूँ, है ना। माँ बाप जो है कई बार गुस्से में हाथ उठा देते हैं बच्चों पे, यानी कि अब ऐसा नहीं है, बच्चों से समझाना ही एक सही रास्ता होता है। तो अब क्या हुआ उस लड़के के ऊपर, उनके छोटे भाई पे असर क्या हुआ उनकी इन बातों का, ये लिखी है देखिए मुंशी प्रेमचंद ने, ट्रांसलेट की है डेविड रूबिन ने। आई वॉज थॉरली अशेम्ड बाई दिस न्यू अप्रोच ऑफ हिज, मैं जो था उनकी इस नए जो उनका तरीका था मुझे समझाने का, बजाय डांटने के वो मुझसे रीजनिंग कर रहे थे, तो उससे जो था मैं तो पूरी तरह शर्मिंदा हो गया। आई रियली बिकेम अवेयर ऑफ माई स्मॉलनेस, अब तो मुझे वास्तव में अपने छोटेपन का एहसास हुआ। एंड आई बिगैन टू लुक अपॉन हिम विद रिवरेंस, और मैं उनको देखने लगा आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। रिवरेंस मीन्स आदर। टियरफुल आईज आई सेड, आंखों में आंसू भरे हुए मैंने उनसे कहा, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। यू हैव एवरी राइट टू से इट, आपको ऐसे कहने का पूरा अधिकार है। माई ब्रदर एम्ब्रेस्ड मी एंड सेड, उन्होंने गले लगा लिया और कहा, I won't have stopped you from flying kites, मैंने तुम्हें पतंग उड़ाने से रोका नहीं होता। I too long to fly them, मेरा भी बड़ा मन करता है इन्हें उड़ाने का, यहाँ long to मतलब मन करता है, I desire to fly them, but if I were myself to tread the wrong path, how would I stop you, लेकिन अगर मैं ही गलत रास्ते पर चलूँगा तो तुम्हें कैसे रोकूँगा। Duty weighs upon my head, मेरा सर तो मेरी जो ड्यूटी है, जो मेरा कर्तव्य है, वो ही मेरे सर पर एक भार है मेरे लिए। बाई चांस जस्ट एट दैट वेरी मोमेंट काइट केम फ्लोटिंग ओवर आवर हेड्स, और अचानक ही एक उड़ती हुई पतंग जो थी वो हमारे सर के ऊपर से तैरती हुई निकली। द एंड ऑफ इट्स स्ट्रिंग वॉज डैंगलिंग जस्ट अबव अस, उसकी डोरी का जो सिरा था वो ठीक हमारे नीचे ही लटक रहा था, डैंगलिंग लटक रहा था हमारे सरों के ऊपर। माई ब्रदर जम्प्ड एंड कॉट होल्ड ऑफ द लूज एंड ऑफ द काइट स्ट्रिंग, मेरे भाई साहब कूदे और उन्होंने जो उस पतंग का जो लूज एंड था, दूसरा सिरा था, उसको पकड़ लिया। और देन ही रैन एट टॉप स्पीड टुवर्ड्स द हॉस्टल एंड आई रैन बिहाइंड हिम, और वो तेज़ी से भागे हॉस्टल की तरफ, मैं उनके पीछे पीछे भागा। तो ये कहानी है बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइमलेस स्टोरी अबाउट द एरोगेंस ऑफ अ यंगर सिबलिंग और इवन अ चाइल्ड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। बच्चे होते हैं बड़े बड़े दुनिया में क्या से क्या बन जाते हैं, और फिर अपने माता पिता को भूल जाते हैं। और आजकल ये ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है,
ओल्ड एज होम्स में हम जाते हैं तो हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, रोते हैं हम देखकर कि कैसे माता पिता को बच्चों ने छोड़ रखा है, त्याग रखा है। बड़े बड़े पैसे वाले घरों के बच्चे अपने माता पिता को उन वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। अगर वृद्धाश्रम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते तो उन्हें ट्रेन में बिठा देते हैं, जाओ जहाँ तुम्हें रास्ता मिले। उनका सारा संपत्ति, उनका सारी प्रॉपर्टी भी सब हड़प लेते हैं। तो इस तरह का जो माहौल है ये बहुत ही बुरा है। और मेरे ख्याल से ये कहानी जो है हमें बताती है कि किस तरह से छोटों को हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, चाहे आप उनसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे, कहीं ज़्यादा ऊंचे ओहदे पे, कहीं ज़्यादा पैसे वाले या शोहरत वाले क्यों ना हो। आज मैं पढ़ रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे अपने माता पिता बहनों से बिल्कुल अलग हो गए थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे माता पिता हमारे बचपन से, उन्होंने जन्म दिया है, साक्षी हैं हमारे बड़े होने पे, उनको हमारी एक एक बात पता होती है, तो इसलिए जो है उनसे कभी दूर नहीं होना चाहिए। तो मुंशी प्रेमचंद वॉज बॉर्न इन 1880, डाइड इन 1936, इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग इंडियन राइटर्स टिल डेट। हिज वर्क्स इलस्ट्रेट एवरी डे हीरोज एंड एड्रेस सोशल कंसर्न्स। द रियलिज्म इन हिज वर्क्स इंस्पायर्ड मैनी अदर इंडियन राइटर्स। हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश एंड रशियन। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। ही वॉन्टेड टू ले अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन सो दैट अ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर कुड बी रेज अपॉन इट। हेयर द मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर इम्प्लाइज हिज एजुकेशन। माई आईज वर टर्न टूवर्ड्स एंड ड्राइविटेड ऑन द एयर ट्रैवलर दैट वॉज रीलिंग जेंटली टूवर्ड्स इट्स डाउनफॉल। हु इज द एयर ट्रैवलर रेफर टू हेयर? द काइट ही वॉज चेजिंग। Answer the following questions. The elder brother was not good at academics. How does the narrator convey this? The narrator conveys this. यहाँ convey में s लग जाएगा. You should know how to write the answers. The narrator conveys this by telling us that his brother took 2 or 3 years to pass a class. He was very studious but found English, history, geography and geometry very difficult. What was the difference in the routines of the two brothers? So answer B is, I'll just let you know, yes here. So what was the difference? Unke routine mein padhne likhne ke samay mein kya difference tha? The elder brother was very regular in his studies, following a fixed timetable, but the younger one was very fond of games and playing. He never followed his timetable. What was the impact of the elder brother? No, describe the timetable drawn up by the narrator. How were the intent and reality completely different? क्या टाइम टेबल बनाया था लेखक ने, और उसका जो वास्तविकता में वो क्या टाइम टेबल था, और जो उसको बनाया गया था इंटेंशन से बनाया, इंटेंट उसका जो पर्पस था और वास्तविकता में किस तरह से बिल्कुल अलग था वो। तो इसका आंसर है कि इधर पेज नंबर इस पे आइए, द time table drawn by the narrator was to get up at 6 in the morning, wash, have breakfast and sit down to study. English from 6 to 8, arithmetic from 8 to 9, history from 9 to 9:30, then food and to school. Return from school at 3:30, relax for half an hour, geography from 4 to 5, grammar from 5 to 6, a half hour stroll in front of the hostel, then eat, translation from 8 to 9, Hindi from 9 to 10, miscellaneous subjects from 10 to 11, then sleep. So, how was it different in reality? The very first day, the author used to break it very easily. So, he broke it the very first day and went out to play. This was the difference between the intention of the timetable and reality. What was the impact of the elder brother's lectures on the narrator?
तो जो बड़े भाई जो देते थे ना लेक्चर, उसका उन पे क्या असर पड़ा? तो इसका आंसर जो है वो मार्क्ड इट समवेयर। डी जो आंसर है उसका पेज नंबर 13 पे आइए। लिसनिंग टू हिज का मतलब है लिसनिंग टू द एल्डर ब्रदर्स टंग लैशिंग, द नरेटर वुड बर्स्ट इनटू टीयर्स। हिज ब्रदर वाज एन एक्सपर्ट एट द आर्ट ऑफ गिविंग एडवाइस। ही पॉइंटेड हिज पॉइंटेड कमेंट्स एंड एफोरिस्टिक एरोज वुड पियर्स हिज हार्ट एंड डीमोरलाइज हिम। ही वुड सिंक इन टू होपलेसनेस एंड थिंक ऑफ गोइंग होम। ही वुड ओवरकम द स्टेट ऑफ होपलेसनेस, इंस्टेड ऑफ डिस्पोंडेंसी यू कैन राइट होपलेसनेस, एंड प्लेज टू डिवोट हिमसेल्फ टू स्टडीज। तो ये इम्पैक्ट होता था उसके ऊपर उन लेक्चर्स का। तो जहाँ पर आई है वहाँ पे आपने द नरेटर कर दिया है, और माई की जगह हिज, माई की जगह हिज, देन ही, आई की जगह ही, एंड अगेन माई की जगह हिज कर दीजिए, क्योंकि आप वो आप बता रहे हैं उस बात को। ही वुड ओवरकम हिज होपलेसनेस एंड माई सेल्फ की जगह हिमसेल्फ टू स्टडीज। तो ये आंसर हो गया डी का। हाउ डिड द एल्डर ब्रदर्स सर्मन्स चेंज व्हेन ही फेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? द एल्डर ब्रदर्स सर्मन्स डिड नॉट चेंज व्हेन ही फेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? ही टोल्ड हिज यंगर ब्रदर दैट ही हैड बिकम प्राउड आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन बाय लक। इवन रावण हैड टू पे फॉर हिज प्राइड। ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा वर वेरी डिफिकल्ट, सो वॉज एसे राइटिंग इन इंग्लिश। बिसाइड्स ही वॉज मोर एक्सपीरियंस देन हिम। तो ये उन्होंने कहा उनको जब वो पहली बार फेल हुए थे। वॉट वॉज द एल्डर ब्रदर्स रिएक्शन टू फेलिंग फॉर द सेकेंड टाइम? दूसरी बार जब वो फेल हुए तब उनका रिएक्शन क्या था? तो द एल्डर ब्रदर्स रिएक्शन टू फेलिंग फॉर द सेकेंड टाइम वॉज दिस इज द एफ क्वेश्चन। मार्क्ड इट। द एल्डर ब्रदर्स रिएक्शन टू फेलिंग फॉर द सेकेंड टाइम वॉज दैट ही सॉफन डाउन अ बिट। ही रिस्ट्रेन हिमसेल्फ इवन वेन देर वर ओकेजन्स टू स्कोल्ड द ऑथर, राइट? दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ रीडिंग टू, डू यू थिंक दैट द एल्डर ब्रदर हैड टू सप्रेस हिज डिजायर्स टू बी अ रोल मॉडल टू हिज यंगर ब्रदर? वाई डू यू थिंक सो? येस, द एल्डर ब्रदर हैड टू सप्रेस हिज डिजायर्स टू बिकम अ रोल मॉडल टू हिज यंगर ब्रदर, बिकॉज इन द लास्ट एंड ऑफ द स्टोरी ही स्कोल्ड्स द नरेटर दैट ही ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले एंड गो टू फेयर्स एंड फ्लाई काइट्स, बट ही हैड टू बी अ रोल मॉडल टू हिज यंगर ब्रदर। ही हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज यंगर ब्रदर इन एब्सेंस ऑफ देयर पेरेंट्स। So it he has referred to it in the beginning also and in the end also. Bring out the humor in the story, both in words as well as in situations. So the humor in the story lies the way the author describes his brother who took 2 to 3 years in each class in spite of studying hard. Irony is the expression of one's meaning by using language that normally signifies the opposite. Typically, if you are humorous or emphatic effect, bring out in the irony in the story. Irony means होती है जो जिसको हम बोलते हैं ना कि विरोधाभास स्थितियों का। भाई छोटा पढ़ नहीं रहा फिर भी पास हो रहा है, बड़ा पढ़ पढ़ के फेल हो रहा है।
So that is the irony. Irony is means that we want something and something else happens. So in this story, the irony is that the younger brother passes the exams without studying very hard, whereas the elder one fails in spite of putting in hard labor. Whom do you like more, the narrator or his brother? Give reasons. कौन आपको पसंद है दोनों में? You can write in your own words. Try writing in your own words. Then he ran at top speed towards the hostel and I ran behind him. What does the last line reflect about the interpersonal relationship between the siblings? Siblings होते हैं भाई बहन. तो जब वो भागे उसके पीछे छोटा भाई भागा, तो ये किस तरह का interpersonal relationship है, उनका आपसे संबंध कैसा है? That the younger brother always respected his elder brother and he always used to follow his advice in spite of the fact that he could not study very hard. But later on he had become rather proud. But then in the last, when the brother, elder brother told him that the difference between their ages can never be filled, then he realized his smallness and with respect and with joy he started running after his brother. That means their relationship has further strengthened. So this is all about the story. So you can write the answer of third reading ka third. The irony of the story is that in spite of studying hard, the elder brother failed, but the younger one came first in the class in spite of playing more than studying. My brother always likes to do things properly. He is a perfectionist, right? ये आपको personality traits होते हैं ना लोगों के, तो उसके बारे में ये बताया जा रहा है. Words use करने हैं आपको box में. She works very hard at her job. She is industrious. He is not considerate about the needs of the people around him. He is thoughtless. Seema is very sociable. She has many friends. She is gregarious. जो बहुत जो दोस्त बनाते हैं उनको gregarious बोलते हैं. He is vigilant and guarded. He is cautious. He cannot be trusted. He is deceitful. तो जो लास्ट में रीडिंग का जो फाइव है उसमें आप लिख सकते हैं, द लास्ट लाइन टेल्स अस दैट बोथ द ब्रदर्स अंडरस्टूड ईच अदर एंड वर ऑन गुड टर्म्स. व्हाट आर फ्रेजेज एंड व्हाट आर क्लॉजेस? फ्रेज होती है जो एक वाक्य का एक हिस्सा होती है जिसका पूरा मतलब नहीं निकलता, और क्लॉज जो होता है पूरा एक वाक्य होता है जिसमें नाउन या प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, और उसमें कंजंक्शन हो सकती है, और बाकी जो उसमें पार्ट होते हैं एक सेंटेंस के वो आपको सारे मिलेंगे. सो व्हाट इज द क्लॉज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज. And group of words that does not have a subject and a verb together and does not convey complete sense independently is called a phrase. So the mango fell is a clause. Who she sang beautifully is a clause. Loud and clear is a phrase. Cyclone struck is a clause. When I grow up is a phrase. The balloon went up is a clause. अब कई बार ऐसा होता है दो separate clauses हो जाते हैं. तो जैसे he broke down when the result was announced. So यहाँ पर ये दो sentences से बना हुआ एक sentence है. तो पहला भी एक complete sentence है और इसको हम independent clause बोलेंगे या principal clause बोलेंगे. दूसरा जो है वो अलग से कोई मतलब नहीं देगा क्योंकि हमें पता नहीं when the result was announced तो क्या हुआ, हमें पता ही नहीं है. तो इसको हम dependent clause या subordinate clause बोलते हैं. तो जो dependent clause होगा वो हमेशा जो मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा.
पहले भी लिखा सकता है डिपेंडेंट क्लॉज और आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो अब इसमें जैसे इन सेंटेंसेस बिलो सेपरेट द प्रिंसिपल क्लॉज फ्रॉम द सबॉर्डिनेट क्लॉज द फर्स्ट सेंटेंस हैज बीन डन फॉर यू. इफ यू स्टैंड टुगेदर नथिंग कैन डिफीट अस. प्रिंसिपल क्लॉज नथिंग कैन डिफीट अस इफ यू स्टैंड टुगेदर. अब इसमें पहले जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज आ गया और बाद में आया इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसी तरह इसमें मैंने मार्क कर दिया है इसको. तो प्रिंसिपल क्लॉज डोंट गो आउट विदाउट एनी अम्ब्रेला और सबॉर्डिनेट क्लॉज बिकॉज इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन. एंड प्रिंसिपल क्लॉज आई वॉज आस्क्ड टू लीव द रूम सबॉर्डिनेट क्लॉज बिफोर आई कुड से एनीथिंग. द चिल्ड्रन सैट एंड स्टडीड प्रिंसिपल क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज व्हाइल देयर मदर वॉज बिजी राइटिंग लेटर्स. प्रिंसिपल क्लॉज आई हैवंट येट सीन द ओल्ड हाउस सबॉर्डिनेट क्लॉज वेयर शी वॉज बॉर्न. सबॉर्डिनेट क्लॉज पहले लिखा है तो प्रिंसिपल क्लॉज दे वेंट टू द पार्टी और एस सी ऑल्दो दे हैड नॉट बीन इन्वाइटेड. सो सबॉर्डिनेट क्लॉजेज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक वर्ड्स और अ क्लस्टर ऑफ वर्ड्स. क्लस्टर मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर कॉल्ड सबॉर्डिनेटर्स. इन द फर्स्ट सेंटेंस इन द अबव एक्सरसाइज द सबॉर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ विच इज अ सबॉर्डिनेटर. यहाँ पे आपने देखा इफ था तो ये सबॉर्डिनेटर है जो दोनों को जोड़ रहा है दोनों सेंटेंसेस को. तो लुक एट द सेंटेंसेस इन द प्रीवियस एक्सरसाइज वंस अगेन एंड अंडरलाइन द सबॉर्डिनेटर्स दैट इंट्रोड्यूस द सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज इन ईच. इनको सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी बोलते हैं. ये जो सबॉर्डिनेटर्स होते हैं इनको सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी बोलते हैं. तो प्लेस का होगा तो वेयर वेरेवर. टाइम के होंगे तो व्हेन व्हाइल आफ्टर बिफोर एज सून एज टिल अनटिल व्हेनेवर सिंस. पर्पस के लिए सो दैट इन ऑर्डर दैट लेस्ट नहीं तो. लेस्ट का मतलब नहीं तो. सबॉर्डिनेटर्स ऑफ कंडीशन इफ अनलेस प्रोवाइडेड दैट यदि जब तक ऐसा ना हो. कंसेशन ऑल दो इवन दो बट हाउ एवर येट इन स्पाइट ऑफ. जहाँ आपको ये वर्ड्स दिखाई दें समझिए ये इस तरह के सबॉर्डिनेटर्स हैं कंसेशन के. ऑफ मैनर एज इफ एज दो. सबॉर्डिनेटर्स ऑफ रीजन सिंस बिकॉज. तो ये सारे सबॉर्डिनेटर्स हैं. और फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट सबॉर्डिनेटर्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो. द बॉय वुल्फ डाउन द फूड बिकॉज ही हैडंट ईटन फॉर वीक्स. वुल्फ डाउन मतलब ऐसे हंग्री है भेड़िए की तरह खाना खा रहा था जैसे क्योंकि वो कई हफ्तों से उसे खाना नहीं मिला था. म्यूजिशियंस हैव टू स्टार्ट अर्ली सिंस बिकॉज और सिंस का मतलब वही है. सिंस जो है उसमें भी यूज होता है. से आई एम लिविंग इन रामपुर सिंस 1998. तो यहाँ सिंस का मतलब से है लेकिन सिंस जो है वो बिकॉज की तरह भी यूज़ होता है क्योंकि. ठीक है. लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क. इफ़ इट डजंट रेन टुमारो वी कुड सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग. व्हेन आई फिनिश फिनिशिंग द डिशेस यू कुड पुट देम अवे. लिटिल डॉग फॉलोड इट्स मास्टर वेयर एवर ही वेंट. आई विल वॉक टू द मार्केट इवन इफ इट रेन्स. सो एंड बट और नॉट येट ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. और इधर या और जो दो एक साथ यूज होते हैं जैसे इधर आई गो टू द मार्केट और यू गो. नॉट ओनली ही वेंट टू द मार्केट बट ऑल्सो हिज सिस्टर वेंट विद हिम. ये दोनों एक साथ यूज होते हैं हमेशा इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो. नीदर नॉर नीदर आई न्यू द आंसर नॉर माई फ्रेंड. सो दे आर को रिलेटिव कंजंक्शंस. इनको क्या बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन. सेंटेंस दैट हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉजेज जॉइंट टुगेदर बाय अ कोऑर्डिनेटिंग और को रिलेटिव कंजंक्शन इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस. जहाँ दो सेंटेंसेस किसी को आपके इस को रिलेटिव या कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं उनको कंपाउंड सेंटेंस. एक होता है सिंपल सेंटेंस और एक होता है कंपाउंड सेंटेंस. अब आते हैं मिस्टीरियस
फोटोग्राफी में आप देख रहे हैं इन शब्दों में बीच में एक कॉमा लगा हुआ है, तो जो मेन स्ट्रेस्ड सिलेबल है उसको आपको अंडरलाइन करना है, मैंने कर दिए हैं। तो इतना आप इस वाले लेसन को कंप्लीट कर लीजिए, तो ये ख़त्म हो गया। इसमें आपका टेस्ट होगा, आपको टेस्ट पेपर भेजा जा रहा है, आप ये जल्दी से लेसन अपना अच्छे से तैयार करके और टेस्ट दीजिए। इसमें 10 मार्क्स का टेस्ट है और 10 मार्क का ग्रामर का पेपर आपको अलग से भेजा जाएगा। यू विल बी सेंट अ ग्रामर पेपर सेपरेटली। प्लीज़ डू देम इन योर आंसर शीट एंड सबमिट देम इन द स्कूल और यू कैन इवन व्हाट्सएप इट।